फैमिली, मैं जा रहा हूँ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने, और ये जो सीरीज है वो काफी अच्छी रहने वाली है। ना तो मैंने आपके COVID-19 का टेस्ट करवाया है, ना ही मेरे पास कोई परमिशन है। किस जगह पर रोकेंगे, क्या क्या पूछेंगे, वो सब आप देखने वाले हैं। या तो मैं बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, वो यहाँ से निकलने के बाद पता चलेगा कि मैं किससे जाता हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। अब मैं आ गया हूँ दिल्ली, और दिल्ली से आगे जाने के लिए मेरे पास थे दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन था वॉल्वो बस और दूसरा था ट्रेन। वॉल्वो बस जो थी वो रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जा रही थी, और सभी का जो किराया था वो 1100, 1200 और एक 1800 स्लीपर का है ये वॉल्वो बस, जिसमें आप आराम से सो के जा सकते थे। तो लेकिन 2 या 2:30 बजे तक मैं क्या करता, तो इसलिए मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। निजामुद्दीन से ट्रेन जाएगी हरिद्वार के लिए, और फर्स्ट एसी है, जिसका किराया मुझे लगभग 1300 रुपये पड़ा है। तो यहाँ से 11 बजे जाएगी और मुझे हरिद्वार उतारेगी लगभग वो 4 बजे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अंदर एंट्री नहीं हो रही है, सिर्फ 2 घंटे पहले ही एंट्री करते हैं। जैसे कि मेरी 11 बजे ट्रेन है तो 9 बजे ये एंट्री करेंगे। अभी लाइन लग रही है, इधर मैं आपको दिखा दूँ पीछे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन लगा रखी है इन लोगों ने। 9 बज गए हैं, 11 बजे से ट्रेन है, और मुझे लग रहा है कि अब अंदर जाने दिया जाएगा हम लोगों को। जाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं अंदर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म पे। इन्होंने सिर्फ टिकट देखी थी और पूछा था कि आप किस जगह पर जा रहे हैं, वो मैंने बता दिया है। मेरी जो ट्रेन आएगी वो लगभग 11:10 पे आने वाली है। इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो 10:23 हो रहे हैं लगभग। अभी 40 मिनट और मुझे वेट करना है। तो फर्स्ट क्लास एसी में मैं जा रहा हूँ पहली बार, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ज़्यादातर मैं वॉल्वो बस में ही सफ़र करता हूँ, तो पहली बार ये मेरा सफ़र है फर्स्ट क्लास एसी में, तो वो भी आप लोग देखना। पहले पता चला था कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन आने वाली है, और अब पता चला है कि 2 पे आने वाली है। तो मैं तो इसी में ज़्यादा थक जाता हूँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये बैग। इस बैग में जो सामान रहता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा थका देता है। सबसे ज़्यादा रहते हैं कपड़े, नए कपड़े ले आने हैं, फ़ोटो वोटो क्लिक कराना है, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ इनसे। तो आगे से मैं कोशिश करूँगा कि कपड़े कम लेके जाया करूँ। तो ये है मेरा H1 फर्स्ट क्लास AC, और मैं ये अंदर सामान इसमें मैंने रख दिया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये देखो इस तरीके से होता है A, और ये B, C, तो इस तरीके से है। तो मेरा है A में। तो ये है फर्स्ट क्लास AC, और इसमें ये 4 स्लीपर हैं। तो जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं इस पर, और यहाँ पे आप पानी की बोतल रख सकते हैं, यहाँ पे आप ये कपड़े रख सकते हैं, और ऐसा इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, एक वो लाइट और है, जैसे कि मैं ये रही, आप इसे जला के जिधर चाहें उधर घुमा सकते हैं। इधर आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, बाकी ये दिए हैं। इतना ज़्यादा कूल हो रहा है केबिन की मैं सो नहीं पाया। मेरे ये हाथों में और पैरों में जो है वो एलर्जी हो रही थी ठंडी की वजह से, खुजली होने लग गई, तो फिर मैं सोया ही नहीं, और अंदर बाहर ये पूरी रात मैंने ऐसे ही निकाल दी। अब लग रहा है कि मुझे की ट्रेन पहुंचने वाली है, और 2 ट्रेन चलती हैं हरिद्वार जाने के लिए। तो अब ये मुझे हरिद्वार पहुंचाएगी लगभग 3:30 बजे करीब। हरिद्वार से फिर मुझे जाना है केदारनाथ बाबा के दर्शन करने। तो पहले हरिद्वार पहुंचते हैं, फिर बताते हैं कि आगे क्या करना है। क्या हो रहा है? नया स्टेशन लगा है, नया स्टेशन किसी भी लाइन में लगेगा। यहाँ पे आप ये ऊपर बोर्ड देख रहे हैं,
कोविड-19 जनपद हरिद्वार रुकने व रहने वाले यात्रीगण, और ऐसे ये बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर। अब कुछ ज़रूरी बातें मैं आप लोगों को बता दूं। ये आप देख रहे हैं, ये हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। सुबह यहाँ से मैं 4 बजे निकला था, और जब मैं निकला था तो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, और अंधेरा हो रहा था तो वीडियो शूट होता भी नहीं। तो सिर्फ मैंने जानकारी ली, अब वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप केदारनाथ या बद्रीनाथ जाना चाह रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में, तो जब आप हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर आएंगे तो आपको इस साइड में ये गेट मिलेगा, और इस गेट से आपको बाहर निकलना है। तो आप देखिए, ये है वो गेट, और इस साइड से आप जैसे बाहर निकलते हैं तो यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर ही बस स्टैंड है। मैं आप लोगों को यहीं से दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप देख रहे हैं सामने जो बस खड़ी है एक, वही है बस स्टैंड। देखिए वो वाली बस, वो बस स्टैंड है। देखो ये सामने बस स्टैंड, यहाँ से दो तरह की बस जाती हैं, एक जाती है सरकारी और दूसरी जाती है प्राइवेट बस। ये सामने जो प्राइवेट बस खड़ी है यहाँ से आपको बस मिल जाएगी प्राइवेट, और ये सरकारी मिलेगी यहाँ से। अब रेट के बारे में मैं आपको जानकारी बताता हूँ कि कितने रेट में आप लोग जा सकते हैं और टाइमिंग क्या है। सरकारी बस में और प्राइवेट बस में एक तो टाइम का फ़र्क है और एक पैसे का फ़र्क है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आराम से कहीं बैठ के या होटल लेके आप लोगों को बताऊँ इसके बारे में। तो पहले होटल लेते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. तो ये है हमारा रूम, और रूम के साइड में है इधर वॉशरूम। वॉशरूम जो वो काफी क्लीन है, मुझे वॉशरूम बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एकदम साफ है। और इधर दिखाते हैं, और ये है हम, और ये इधर पानी है, और ये कॉफ़ी। साइड में इन लोगों ने एक टीवी दिया है, और एक एसी दिया है, ऊपर एक पंखा दिया है, और ये है बेड जो कि काफ़ी साफ है एकदम, जिस पर हम आराम से सो सकते हैं। और ये इधर है, आप यहाँ से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ साउंड बज रहा है तो इसलिए मैं ये नहीं ओपन कर रहा हूँ। और ये पर्दे लगा देते हैं आराम से। तो इस तरह का कई रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटा रूम है लेकिन एकदम साफ़ है। ये हरिद्वार में मैंने सिर्फ एक दिन के लिए लिया है, और वैसे इसमें कोई फ़ोन नहीं है कॉलिंग के लिए। तो जैसे कि ये यहाँ पर एक घंटी दे रखी है इन्होंने, जैसे आप ये दबाएंगे तो नीचे से कोई आता है पूछता है, तो मेरे हाथ से वैसे ही दब गई थी, तो मैंने बोल दिया सर एक कॉफ़ी ले आइए। तो ये है रूम। अब मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। वैसे मैं अपने रूम पर आ गया हूँ तो आराम से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। वैसे मैं सब कुछ अपने मोबाइल में नोट करके लाया हूँ। अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ या बद्रीनाथ जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से बस चलती है सरकारी और प्राइवेट। सरकारी बस और प्राइवेट बस किस जगह से चलती है वो जगह मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब बात करते हैं कि टाइमिंग कितना है और कितना उसका किराया है। तो जैसे कि मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन से निकला था तो 4 बजे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही था, तो वहाँ पर मैं पहुँच गया 4 बजे। तो उस टाइम सरकारी बस जो थी वो खड़ी थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि इसका किराया कितना है और टाइमिंग कितना है। तो पहले मैं आपको टाइमिंग बताऊं कि वो बस जो 5:30 बजे सरकारी बस निकल जाती है, लास्ट 6 बजे तक, लास्ट उसका टाइम जो 6 बजे निकल जाती है, वो सवारी के ऊपर है। वैसे 5:30 बजे 6 बजे तक बस चली जाएगी। अगर आपको जाना है तो 5 बजे तक आपको पहुँचना होगा। अब इसके किराए की बात करते हैं, तो सरकारी बस जो है ये हरिद्वार से चलती है, हरिद्वार से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से जोशीमठ, और जोशीमठ से औली। अगर आप केदारनाथ जाना चाह रहे हैं तो आपको रुद्रप्रयाग पे उतरना होगा। अगर आप बद्रीनाथ जाना चाह रहे हैं तो आपको जोशीमठ पे उतरना होगा। रुद्रप्रयाग तक का जो किराया है वो 620 रुपये है, 600 या 620 रुपये बताया था। रुद्रप्रयाग से फिर आपको आगे के लिए बस मिल जाएगी सोनप्रयाग के लिए, आप रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के लिए बस कर सकते हैं। तो ये थी सरकारी बस। अब बात करते हैं प्राइवेट बस। प्राइवेट बस का जो टाइमिंग है वो है 4 बजे का, 4 बजे बस निकल जाती है, जो कि सीधे केदारनाथ जाती है, आपको सोनप्रयाग तक ले जाएगी। उसका किराया है 900 रुपये। अगर आप प्राइवेट बस से जाना चाह रहे हैं तो आपको बस स्टैंड के साइड में ही प्राइवेट बस मिल जाती है,
4:30 बजे करेक्ट पहुंच जाना होगा और वो बस 4 बजे निकल जाती है, जो कि आपको सोन प्रयाग तक ले जाएगी 900 रुपये में। तो मैं नहीं गया, मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं रात में नहीं सोया था, तो सामान भी मेरे पास ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि एक दिन मैं हरिद्वार ही रुक लेता हूँ। तो इस होटल में मैं एक दिन रुकने वाला हूँ। और वैसे ये केदारनाथ की जो सीरीज है ये मैं बहुत प्यार से बनाने वाला हूँ। मेरा बहुत मन था बाबा के दर्शन करने का, क्योंकि जब मैं वैष्णो देवी से आया था तो मेरा बहुत मन कर रहा था। मैं आप लोगों को फीलिंग नहीं बता सकता कि मैं मतलब कि दर्शन करने के लिए कितना उतावला हो रहा था, लेकिन फाइनली अब मैं निकल आया हूँ, अब मुझे जाना है। तो ये सीरीज जो है मैं बहुत प्यार से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और अभी एक दिन हम हरिद्वार में रुके थे तो मैंने सोचा कि हरिद्वार घूमा जाए, तो मैं आया हूँ मनसा देवी के दर्शन करने। और काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं यहाँ से, कितना अच्छा। तो लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं सही तरीके से चढ़ नहीं पाता हूँ। ये भी मेरा पैर जो है लेफ्ट वाला सही तरीके से काम नहीं करता है, फिर भी मैं माता के जयकारे लगाते हुए चला जाता हूँ। बोलो जय माता दी, जय माता दी। ये आप नज़ारा देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। और ऊपर सीढ़ियाँ, हरिद्वार बहुत प्यारी जगह। और अभी हम हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से फिर केदारनाथ, और अभी ये पूरी सीरीज बहुत प्यारी होने वाली है। माँ मनसा देवी के दर्शन कर लीजिए आप। यह है माँ मनसा देवी का भवन और अंदर मंदिर है। सबसे जरूरी बात मैं भूल गया कि होटल कितने का है। ज़्यादातर कमेंट यही आते हैं, तो मैं बता दूं कि ये वाला जो रूम है ये है 550 रुपये का। सबसे एक चीज़ और आपको बताता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा मेन है, कि जैसे अगर आप रूम लेने आ रहे हैं और आप रिक्शे वाले भाई के साथ आ रहे हैं, ट्रेनरी वाले के साथ आ रहे हैं, काफ़ी लोग आपसे पूछते हैं कि रूम चाहिए सस्ता दिला देता हूँ, तो उनका 40% कमीशन होता है। जैसे अगर आपने रूम लिया 1000 रुपये का तो उनको 400 रुपये मिलते हैं, तो ये भी आप चीज़ ध्यान रखें। तो आप जो है कम पैसे कर सकते हैं। वैसे ये वाला जो रूम था 550 रुपये का था, तो उन्होंने जो मेरे साथ थे भैया उनको शायद 110 या 120 रुपये दिए थे, वो मेरे सामने ही दिए थे, वो मेरे बात हो गई थी उनसे। तो आप ही सीरीज पूरी देखना। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है हरिद्वार से केदारनाथ सीधे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।